पंजाब रोडवेज, पनबस एंड पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की तरफ से पंजाब समेत चंडीगढ़ में स्ट्राइक चल रही है। चंडीगढ़ एग्जाम देने आए हुए बच्चों को पंजाब रोडवेज की स्ट्राइक के कारण घर जाने के लिए बस नहीं मिल रही थी। जहां बाद करीब 2700 बच्चों को पंजाब में अपने घर जाने के लिए बस नहीं मिली। इसके बाद सीडीओ के कर्मचारियों ने आनंद फान में 22 बस बच्चों के लिए प्रबंध कराई और उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 7 बजे तक बस स्टैंड पर कोई भी बच्चा नहीं फंसा हुआ मिलेगा। नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ 43 बस स्टैंड पे, जहां पर आज पंजाब से यहां पे बच्चे एक सरकारी पेपर देने आए थे, पर क्योंकि पंजाब रोडवेज की बस की स्ट्राइक थी तो उनके पास अब घर जाने के लिए कोई सहूलियत नहीं थी। तो जिसके बाद हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ की सिटी बसेस की तरफ से जिम्मा उठाया जा रहा है और अब कोशिश की जा रही है कि बच्चों के लिए यहाँ से बसेस अवेलेबल हो। जी हाँ, अपनी तरफ से उनकी तरफ से स्पेशल बसेस लगाई गई हैं और ये उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि 7 बजे तक सभी बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, चंडीगढ़ में कोई भी बच्चा फंसा हुआ नहीं रहेगा। एक मेजर अनाउंसमेंट उनकी तरफ से की गई है और कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बसेस यहाँ इकट्ठी हो रही है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है और बच्चे किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास सफिशिएंट बसेस हो यहाँ पर, किसी तरह से यहाँ से निकल सकें। और बसेस में जो बसेस अवेलेबल है उनके पास, उसमें हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पर चंडीगढ़ पुलिस यहाँ खड़ी है, कोशिश कर रही है कि सभी बच्चों को बसेस मिल जाए। और सिटी डिपार्टमेंट तरफ से भी कह दिया गया है कि चाहे हमें स्पेशल बस ही क्यों ना निकालनी पड़े, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और सभी बच्चों को बस से घर भेज देंगे। अब ये देखना होगा कि क्या 7 बजे तक सभी बच्चों को उनके घर के लिए बस मिल पाती है या फिर नहीं, पर अपनी तरफ से चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ सिटी डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ से अमित कुमार।